ट्रेवलिंग हो या फिर इमरजेंसी केस, एक चीज जो हमेशा फोन के साथ में होना चाहिए वो है पावर बैंक। तो यहाँ पर एमरेंड का मेरे पास आज एक बहुत ही जबरदस्त पावर बैंक आ रखा है, ये है एरोसिंक PB11, एक वायरलेस पावर बैंक जो आता है मैक्सेफ कंपैटिबिलिटी। तो कर लेते हैं प्रोडक्ट इसकी अनबॉक्सिंग, देखते क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो डब्बे पे है मस्त ब्रांडिंग कर रखी है, और इसके अलावा आपको कंटेंट के तौर पर मिल जाती है सबसे पहले आपका पावर बैंक, एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी, एक रिंग मिल जाती है आपको, एक मैग्नेटिक रिंग। ये रिंग उन लोगों के लिए जो एंड्रॉइड यूजर है, अगर उनको भी इस तरीके से वायरलेसली चार्ज करना है तो वो पीछे अपने कवर में ये रिंग लगा सकते हैं। कर लेते हैं बातचीत हम लोग सीधे में पावर बैंक को लेके। तो पावर बैंक का जो डिजाइन है ना, काफी अच्छा लगा मुझे, और ये मैट फिनिश में स्पेशली मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ग्लॉसी कहीं ना कहीं जो चीजें होती है ना, वो कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट जल्दी कैच करती है, स्क्रेचेस बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बट दिस इज अ गुड थिंग कि यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिलती है। एमरेंड की बढ़िया सी बैजिंग कर रखी है, और ये जो आप देख रहे हो ना क्रोम में, आपको एक हल्का सा एक स्टैंड मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो फील अच्छा बनाता है, इस पावर बैंक का लुक भी अच्छा बनाता है। कैरी करने के पॉकेटेबल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप अपने इसको पॉकेट में तो कैरी कर ही सकते हो, बैग वगैरह में भी आप इजीली कैरी कर पाएंगे इसको। यहाँ पर आपको जो है दो पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, एक ऊपर आपको जो है टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, और साइड में ही आपको टाइप सी पोर्ट भी दे रखा है। उसके साथ में आप देख सकते हैं कि बटन आपको दे रखा है, ये बटन दबाएंगे तो आपको लाइट इंडिकेशन मिल जाती है। यहाँ पे साइड में आपको जो है लाइट इंडिकेशन दे रखी है, कितना परसेंटेज आपका जो है पावर बैंक चार्ज है वो आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं, 25, 50, 75, 100, ये बेसिक आपको जो है चार इंडिकेशन यहाँ पर दे रखे। वहीं इसके अलावा देखेंगे फ्रंट में, तो यहाँ पर आपकी वायरलेस चार्जिंग की रिंग लगी हुई है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे आपके फोन को रखना है और आपका डिवाइस जो है वायरलेसली चार्ज होना शुरू हो जाता है। यही उस पावर बैंक को खास बनाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड एंड इजी मैक्सेफ चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं काफी यूजफुल बना जाता है। अब यूजुअली हम लोग क्या होता है कि कंटेंट देखना, हमारे फोन की बैटरी कम है, तो आप इसमें हॉरिजॉन्टली भी अपने जो है फोन को रख सकते हैं, चार्जिंग भी होती रहेगी और आप कंटेंट भी इंजॉय कर सकते हैं। वर्टिकुलर भी आप यहाँ पे रख सकेंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ड्रॉप पोजीशन में रख रखा है, बट मेरा फोन गिर नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही प्रॉपरली जो है यहाँ पर ये जो है स्टिक हो जाता है। वैसे ये जो वायरलेस चार्जिंग है आपको 15 वॉट की देखने को मिल जाती है, जो कि फास्ट चार्जिंग इन्हें हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसका जो टाइप ए पोर्ट है वो आपको 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देता है, और इवन आपका जो टाइप सी पोर्ट है वो आपको 22 वॉट की चार्जिंग दे देगा। तो यहाँ पर आप साथ में दो डिवाइसेस भी चार्जिंग कर सकते हैं, इवन तीन भी लगा सकते हैं, बट डेफिनेटली देखो फिर थोड़ा सा जो है पावर का जो यूजेज है वो बढ़ जाएगा। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप दो डिवाइसेस एक बार में यहाँ पर चार्ज करें तो बेहतर रहेगा, तीन के लिए ना जाए। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एंड्रॉइड यूजर के लिए उन्होंने रिंग प्रोवाइड कर रखी है। अब देखो आप आईफोन यूजर हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप आईफोन 12 या उससे ऊपर के जितने भी फोन यूज करते हो तो वहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का प्रॉपर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और वहाँ पर आपके लिए जो है रिंग वगैरह दे रखी है और स्टिक हो जाता है फोन। ये रिंग लगाने के बाद आपके जितने भी QI एनेबल्ड डिवाइसेज हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वायरलेसली चार्ज हो जाते हैं। अब ये 10000 mAh की आपकी एक एक्सटेंडेड बैटरी हो जाती है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर आप इसको जो फोन टाइप सी पोर्ट से अगर फोन को चार्ज कर रहे हैं, अगर आपका आईफोन 15 है, तो वो मात्र जो है 30 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फास्ट चार्जिंग आपको काफी सीमलेस मिल जाती है। नॉर्मली आईफोन में जितनी बैटरी आती है तो उस हिसाब से अपने आईफोन को अगर आप लगभग यहाँ पर दो बार चार्ज कर सकते हैं, मतलब आपकी कम से कम 3 गुना बैटरी होगी, आपके फोन की बैटरी तो है, और अगर आप इससे चार्ज करेंगे तो 2 बार आपका फोन फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आपके लिए काफी इजी रहता है, फोन के पीछे बस इसको लगा लो और आप फोन यूज भी करते हो और आपका फोन चार्ज भी होता रहता है। 20 वॉट का वैसे इसमें इनपुट आपको मिला था, यानी कि 20 वॉट की जो इसमें आप चार्जिंग दे सकते हैं, अगर इसको आप चार्जिंग पे लगा रहे हैं डिवाइस को, तो 20 वॉट का आप यहां पर चार्जर यूज कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये पोर्टेबल कॉम्पैक्ट पावर बैंक कहीं ना कहीं अगर आप एक एप्पल यूजर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए पिक बन जाता है, और नहीं भी है तो अगर आप एंड्रॉइड में वायरलेस चार्जिंग आपके फोन में सपोर्ट करता है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यानी कि आपके सारे पर्पज फुलफिल कर देता है, जहां पर आपका नॉर्मल फोन हो या फिर आपका वो फोन जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, या फिर वो डिवाइसेस जो आपके को एक्स्ट्रा बैकअप की तरह नीड चाहिए, तो वहां पर आप इसको यूज कर पाएंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाया तो दोस्तों का शेयर करें, ये पावर बैंक उनके काफी काम आ सकता है। और यस, पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।